हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बेटा करेंगे चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, राइट, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है, राइट, कैसे चलता है, वो सारा हम बताएँ। ओके, क्लियर। फिर इसके बाद चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आज हम यही करेंगे, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक ध्यान से करना है इसको आज। सो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ये हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, राइट। ये हमारे पास क्या है, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, क्लियर है, राइट। थोड़ा सा छोटा कर, यहां पर कहीं मैंने स्क्रीन बना दी, राइट। अपोजिटली चार्ज प्लेट है और नहीं दिखाई दे रहा है, इधर ही बना लेते हैं। ये हमारे पास है, थोड़ा छोटा डायग्राम बना लो। हमारे पास अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा क्या होती है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैंने एरो बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ध्यान से समझना इसको बेटा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज प्लस के ऊपर, ठीक है। ये प्लेट्स हैं, इसके ऊपर एक चार्ज प्लस है, एक के ऊपर क्या है, माइनस है। हमारे पास कोई भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज प्लस के ऊपर है, राइट। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ध्यान से सुनना, अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप है, राइट। अब मेरे पास एक पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसका मास कितना है, एम है। ध्यान से सुनना, जिसका मास कितना है, एम है, उसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है। वो एंटर कर रहा है एट पॉइंट ओ, ये एट पॉइंट ओ विद वेलोसिटी वी, समझ आई। ये जो ओ पॉइंट है, ये वाला, यहां पर ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास ओ पॉइंट है, इस एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलेंगे, इस तरफ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज एक्सिस, राइट। जैसे ही वो एंटर कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दीज आर द चार्ज प्लेट्स, ये क्या है बेटा, दैट आर चार्ज प्लेट्स, ये दोनों चार्ज प्लेट्स हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, राइट। अब मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज प्लस के ऊ है, और उसका मास कितना है, एम है, और वो एंटर कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में विद वेलोसिटी वी। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो, इसको ऊपर मैं लिख रहा हूँ वी। ये चार्ज पार्टिकल जिसका मास एम है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये मैं चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल जो इसमें एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो चार्ज पार्टिकल जो है जिसका मास एम है, उसके ऊपर चार्ज प्लस के ऊ है, वो विद वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है, राइट, क्लियर। अब आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। ये तो सभी को पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगती है बेटा, उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है, ठीक है। क्या लगती है उसके ऊपर, फोर्स लगती है। अब चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया,
राइट, जब चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो किस तरफ को जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ को, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, वो अट्रैक्ट होना शुरू होगा, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, यहां दिखाई दे रहा है, यस, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? What is the force acting on the charge particle? किसके कारण? Due to electric field की। कितना होगा? What is the force on the charge particle? पता है सभी को, that is equal to F, which is equal to Q into E. तो F किसके बराबर होगा? Q into E. And this direction of force is along the direction of electric field. Direction of force is in the direction of electric field. ये जो direction of force है, as in the direction of electric field, मतलब जो हमारे पास साफ क्या हुई लग रही है, क्यों क्या है, charge on the particle जो अंदर जा रहा है, m क्या है उसका मास है, तो उसके ऊपर जो force लग रही है वो इस तरफ को लग रही है। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, डेट इज डिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंगली, राइट। तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, मान लो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ये जा रहा है, ये इसको कहाँ तक, ये देखो ये फोर्स, ये जो कर्व पाथ है ऐसे जा रहा है, राइट। जैसे यहां पर आया, इसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स खत्म होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिटवीन द प्लेट्स है, बाहर थोड़ा है। जैसे ही वो बाहर निकलेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, देन अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये जो यहां पर डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में चल गया, ये ऐसे गया, यहां पर डायरेक्शन ये भी तो सीधा चला गया, ये सीधा पाथ है, दिस इज नॉट कर्व, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ हुआ, क्यों, क्योंकि पहले इस तरफ को जा रहा था, उसके बाद सीधा, क्यों, यहां तक उसके ऊपर फोर्स लग रही थी, F इज इक्वल टू Q, उसके बाद क्या किया, उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह कि वो जिस तरफ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है कि जो डायरेक्शन थी यहां पर उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाए, ठीक है, क्लियर है, पता चला। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो स्क्रीन के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करता है, ये हमारे पास क्या है, पी पॉइंट, और दिस इज स्क्रीन, क्या है ये स्क्रीन, ये स्क्रीन पी पॉइंट के ऊपर उसने जाके क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। इतनी बात क्लियर होगी, पता चल गया। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ को है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया कि वो एक्सेलरेट होगा, राइट। नाउ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज पार्टिकल, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बताओ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज पार्टिकल, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम, ये तो आपने पढ़ा, तो दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एफ अपॉन एम, राइट। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एफ अपॉन एम, तो एफ की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज क्या होगी, अपॉन एम, सो दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज। अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे इसको, तो मैग्नीट्यूड में आपको पता है कि ए किसके बराबर आएगा, क्यू ई ओवर एम, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट। सो दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, चार्ज पार्टिकल किसको जा रहा है, इन द डायरेक्शन वे को, हमारे पास एक्सेलरेशन आई क्या हुई ई, तो ए किसके बराबर है, क्या हुई ई, मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ई, ई की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, क्लियर है। तो चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। नाउ
एज सून एज द पार्टिकल लीव्स द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज सून एज द पार्टिकल लीव्स द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्यों? ड्यू टू एनर्जी ऑफ मोशन एंड हिट्स एट पॉइंट पी। ध्यान से सुनना, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिटवीन अ प्लेट से बाहर थोड़ा है, जैसे वो बाहर निकलेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपका बताया था, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो जहां जो यहां पर अट्रैक्शन होगी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा और पी पॉइंट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, राइट। सपोज लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू ट्रांसवर्स द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सपोज करो इसकी लेंथ हम क्या कर देते हैं एक्स मान लो, यहां से लेके यहां का चार्ज पार्टिकल टाइम कितना लिया टी। बताना है आपने कि स्मॉल टी क्या है, व्हाट इज टी हियर, दैट इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू ट्रांसवर्स द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेंथ एक्स। यहां से लेके यहां पर चार्ज पार्टिकल जितना टाइम लिया उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल टी बोलेंगे। इज दैट क्लियर। अब चार्ज पार्टिकल ने रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो था तो चार्ज पार्टिकल ने कितना वाइड यहां तक, देखो यहां से बाहर चला गया तो इतना जो उसने कवर किया ये दैट इज वाई। ध्यान से देखना मैंने वाई कहां पर लिखा है, y क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन। ध्यान से सुना, व्हाट इज y हियर, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्लियर, राइट। तो y आपको बचल गया, स्मॉल t आपको बचल गया। नाउ यूजिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन, ओके। नाउ यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूज करो जरा उसको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर वन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास एस कितना है, एस कितना है यहां पर, ध्यान से देखो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, एक्स, एस इज इक्वल टू एक्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए एस कितना है, एक्स है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से एंटर किया, वी, टी तो डी के बराबर, ऑलराइट, टी तो टी के बराबर है, वो हमने पहले कर लिया। एक्सेलरेशन कितनी है, क्यों, नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, बिकॉज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कोई भी फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। देखो फोर्स किस तरफ को लग रही है, इस तरफ को, फोर्स एक्स एक्स की तरफ थोड़ा लग रही है, फोर्स तो वाई एक्स की तरफ लग रही है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है क्या हो, एफ इक्वल क्या हो, ई, वो इन द डायरेक्शन ऑफ ई लग रही है, ई किस तरफ का, पॉजिटिव नेगेटिव, लॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इस तरफ तो फोर्स लग नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ को है, एक्सेलरेशन किस तरफ को, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स नहीं लगती है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्स एक्सिस को वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। ये बात क्लियर होगी, राइट, क्लियर। अब पुट कर दो ये सारी इक्वेशंस यहां पुट कर दो, एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स, ए, यू की जगह क्या पुट करेंगे, वी, ई की जगह क्या पुट करेंगे, डी, बाकी सारा क्या हो गया, ए, जी, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू वी टी, क्या बन गया बेटा, एक्स इज इक्वल टू वी टी, यहां से टी की वैल्यू का, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू एक्स ओवर वी, निकल गई टी की वैल्यू, नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो जा, ठीक है, क्लियर, राइट। तो टी इज इक्वल टू एक्स ऑन वी आ गया। नाउ फॉर वर्टिकल मोशन,
फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो एस कितना है वर्टिकल मोशन के लिए, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, एस कितना डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सेलरेशन कितनी है अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज ए राइट। आर टाइम कितना है, वो डी होगा। यू कितना है, देखो जब इनिशियल वेलोसिटी यू की बात कर रहा हूं, जब पार्टिकल एंटर कर रहा था लॉन्ग एक्स एक्सिस एंटर कर रहा था, ध्यान देना है ये पॉइंट को, ध्यान देना है, जब पार्टिकल हमारा एंटर कर रहा था वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंटर कर रहा था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस की तरफ थी, वाई एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं थी, क्योंकि पार्टिकल ऐसे थोड़ा एंटर कर रहा था, पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा था, इसका मतलब जब पार्टिकल एंटर कर रहा था ओ पॉइंट के ऊपर वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ थी, वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसलिए हम यू अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। समझ आई बात, ये पॉइंट जो है, एक तो मैंने पहले बताया कि एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुई अलॉन्ग एक्स एक्सिस राइट, दूसरा मैंने क्या बताया ये कि हमने यू वाई जीरो क्यों लिया, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में, बाकी छोड़ो, बाकी तो सारे बच्चों वाला काम है, यही दो पॉइंट जो हैं जिसको समझ आ गए उसका आर्टिकल हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो क्यों हुई, क्योंकि पार्टिकल जो है वो जब एंटर कर रहा था वो एक्स एक्सिस तरफ एंटर कर रहा था, वाई एक्सिस गया ही, वो तो बाद में गया एंटर करने के बाद, एक्सेलरेट तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद ही हुआ ना वो, तो इसलिए हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी बेटा, जीरो हो जाएगी। पुट कर दो तो हमारे पास क्या बना, एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, वाई, यू की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, हाफ एक्सेलरेशन ए, दैट इज टी स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया वाई इज इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। टी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू है आपके पास क्यू ई बाई एम, हम पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे राइट, तो हम इक्वेशन बनाएंगे, क्या बना हमारे पास, वाई दैट इज इक्वल टू हाफ, ए की जगह क्या पुट करोगे क्यू ई बाई एम, टी की जगह क्या पुट करोगे, टी की जगह आप क्या पुट करोगे, आपने टी की वैल्यू निकाली हुई है, कितनी निकाली हुई है टी की, एक्स अपॉन बी निकाली, ये इसका क्या कर देंगे स्केयर, ओके क्लियर है, तो ये हमारे पास वाई आ गया, तो वाई हमारे पास क्या आया, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम बी स्क्वायर, नोट कर लिया, ओके तो हमारे पास जो वाई आया वो किसके बराबर आया, हाफ क्यू ई ओवर एम, आगे क्या है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके क्लियर है। अब वाई इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम साथ में बी स्क्वायर राइट, के क्या है यहां पर कॉन्स्टेंट है, ध्यान से देखना, हाफ वैल्यू कांस्टेंट, क्यों चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट ही होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तो ये सारी टर्म क्या थी कांस्टेंट थी, इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आई, वाई इज इक्वल के एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ, आप क्या लिखोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला आपने पढ़ा होगा, सो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज पैराबोलिक पाथ, फॉलोज अ पैराबोलिक, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रूव द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है राइट, या आपको सिंपल वो बोलेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, सो मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपको बोलेंगे
कि शो दैट चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। ये जो पाथ होता है ना, ये पाथ, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ये पाथ जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज पैराबोलिक पाथ। क्या बोलेंगे इसको, पैराबोलिक पाथ। इज दैट क्लियर, समझ आ गई बेटा, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझा देंगे या नहीं? चलो हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो हम अलग आर्टिकल करेंगे। पहला कहता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलेरेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलेरेट भी करती है, रिटार्ड भी करती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इफ इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई रिस्पेक्टिवली। क्या बोला मैंने कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सेलरेट भी करती है, वो डी एक्सेलरेट भी करती है, रिटार्ड भी करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट और रिटार्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, इफ इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सेलरेट करेगी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इफ इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के, आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, चार्ज पार्टिकल हमारा इस तरफ को आ रहा है, हमने चार्ज पार्टिकल इस तरफ को भेजा मान लो, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, उसका मोशन जो होगा उसके मोशन को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, अदरवाइज एक्सेलरेट करेगी। सिंपल सी बात है, आप हमारा कहना मानोगे हम आपको एक्सेलरेट करेंगे, अगर आप हमारा कहना नहीं मानोगे तो रिटार्ड हो जाओगे। सेम थिंग विद इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कहने से चलेगा, या हम घर में भी कहते हैं माँ बाप के कहने पे चलेंगे तो एक्सेलरेट होंगे, नहीं चलेंगे तो हमारा मोशन क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। देख लो मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप गुरुजन और माँ बाप का कहना मानते हैं, राइट, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी डायरेक्शन में चलते हैं जो वो डायरेक्शन देते हैं, तो आपका मोशन जो है वो एक्सेलरेट होता जाता है, आप कामयाबी के रास्ते के ऊपर चलते जाते हैं। अगर आप उनसे अपोजिट चलते हो तो आपका मोशन क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। समझ आ गई, राइट? तो इसमें भी ऐसा ही है। नंबर टू, एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल बाय पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी एनर्जी गेन की उसने, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में से पास करता है वरना तो एनर्जी गेन करता है, कितनी एनर्जी गेन करता है, डैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, डैट इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। ये पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। नंबर थ्री, हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये बात ध्यान से सुननी है, अगर चार्ज पार्टिकल, ये तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर किया, ये ध्यान से सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर किया। अगर चार्ज पार्टिकल, मैंने क्या बोला था कि अगर आप घर वालों की डायरेक्शन में जाओगे तो स्ट्रेट लाइन सीधा ही चलो, ये देखो, अगर चार्ज पार्टिकल मान लो इधर से एंटर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो वो स्ट्रेट जाएगा, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन आपको एक नंबर का अगर घुमा के आ गया तो आपके माइंड में ये होगा कि हमारे सर ने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एंटर करता है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, लेकिन आपने ये एक बार भूल जाती कि मैंने ये भी बोला है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट भी होता है बट अलोंग द स्ट्रेट पाथ। समझ आ गई, इट एक्सेलरेट अलोंग द
स्ट्रेट पाथ। क्लियर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है, अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, देन इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। अदरवाइज अगर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है तो वो क्या करेगा? अब आप पूछोगे सर इस प्लेट में से कैसे निकल जाएगा, प्लेट में से कैसे निकल जाएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक होल कर देंगे, लो ये होल कर दिया, अब चार्ज पार्टिकल मैं यहाँ से एंटर करूँगा, आप बताओ इन द डायरेक्शन ऑफ एंटर कर रहा है, राइट। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, जो भी आपके माइंड में आया वो मेरे माइंड में भी आया कि यहाँ से कैसे एंटर करें, हम यहाँ से भी एंटर करा सकते हैं चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या होगा, रिटार्ड होगा, समझ आ गई, तो क्या होगा, रिटार्ड होगा। मैंने आपको बता दिया, तीन चार पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके दिमाग में तो यही रहेगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। मैंने क्या बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ में जाएगा, अगर वो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? तो इस बात को आपने ध्यान से सुनना है। क्लियर है बेटा, पता चल गया, समझ आ गई, राइट। तो ये था हमारे पास चार्ज पार्ट। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, राइट। तो आपने यही ध्यान रखना है कि जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज, मतलब हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ऑसिलोस्कोप होते हैं, ठीक है, आप इस देश में नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, फिर भी आप नेट के ऊपर सर्च कर लेना कि कैथोड रे OSCI ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1.2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर डी, ध्यान से सुन लेना, 1.2 × 10⁵ वोल्ट मीटर, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, एंड एंटर एज राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट एंगल पे एंटर कर रहा है, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द प्लेट इज 1.5 सेंटीमीटर। आपने इसकी डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, डिफ्लेक्शन मतलब आपने वाई फाइंड करना है, राइट, वाई आपने फाइंड करना है, आपको जो प्लेट की लेंथ है एक्स वो कितनी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास है, अभी हमने किया वाई इज इक्वल टू, क्या है किया हुआ ना फार्मूला, वो फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको पहले जाउल में कन्वर्ट करना है, इसको आप जाउल में कन्वर्ट करो, ये ऐसा ही नहीं है, सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट कर देना बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर देना है। फिर आपके पास रिलेशन जो हमने निकाला है, एफ इज इक्वल टू कौन सा, क्यू ई। एक बात का याद रखना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेनी है, तो वाई वाले इक्वेशन में आपने उसको पुट कर दिया, सॉरी, समझ आ गई, क्लियर है, पता चल गया। तो ये फार्मूला है, तो सिंपल आपके पास क्या फार्मूला है, y इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2mv² यही है, तो यही है, राइट। तो आपने वहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी। अब आप बोलोगे क्यू क्यू की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, चार्ज कैसे देखेंगे, तो चार्ज तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी दी हुई है, तो आपने क्यू इक्वल टू ई डालना है, तो आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है वहाँ, राइट। तो आपने वो रिलेशन यूज़ करना है, y इज इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर, यही था ना, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv² इस फार्मूले में पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर।
हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि हमें ई तो दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दी हुई है, एक्स भी हमें दिया हुआ है, कनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो, राइट। कनेटिक एनर्जी आगे रिलेशन यूज करो, ई ई एक्स स्क्वायर अपॉन, क्लियर है, क्योंकि क्यों कीजिएगा आप ई पुट कर दोगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है, वो पुट कर दोगे ई आप दी हुई है आपको, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, एक्स आपको दिया हुआ है, मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कितना होता है पता है, हाँ, बस फिर पुट कर, ठीक है। तो इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकाल करना है तो आपके पास आएगा वाई इज इक्वल 3.375, वाई इज इक्वल 3.375 के नियर वो आपके पास आंसर आएगा, वो भी मिलीमीटर में, अगर आप आंसर मिलीमीटर में आंसर दिया हो बेटा इसका, तो चेक करके देख लेना कि इतना ही आना चाहिए आपको, ओके, क्लियर है। रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम होती है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। टिल देन गुड बाय बेटा।